मूवी की शुरुआत एक चमकती हुई बॉल को दिखाते हुए होती है जो पृथ्वी की तरफ तेजी से बढ़ती हुई आ रही होती है। इससे पहले पृथ्वी से टकराती हुई एक सैटेलाइट से टकरा जाती है और वह बॉल एक छोटे बच्चे के घर में जाकर फिश बॉल में गिर जाती है और उसका सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाता है। वह लड़का काफी परेशान हो जाता है। दूसरे सीन में कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक उल्कापिंड तेजी से पृथ्वी पर आकर लिबर्टी ऑफ स्टैचू पर गिरती है। जब उसका सीन दिखाया जाता है तो वह एक आदमी सूट पहना हुआ उल्टा जमीन में गिरा होता है। वह इंसान का व्यवहार काफी अलग होता है और वह सबको अजीब तरीके से देखता है। वह आदमी रोड क्रॉस करता है तभी उसे एक गाड़ी ठोक देती है, उसका पैर मुड़ जाता है। जब तक एक लेडी उस कार से निकलकर बाहर आती वह वहां से जा चुका था और कॉर्नर में जाकर खड़ा हो गया था। उसका एक कान खुलता है और उसके कान से छोटे एलियन बाहर आते हैं और रस्सी के जरिए नीचे जाते हैं और टांग की एक विंडो ओपन होती है। टांग मुड़ने की वजह से वहाँ पर एक खराबी आ गई थी जिसे ठीक करना शुरू कर देते हैं और इस आदमी को कई ह्यूमेनाइड ह्यूमन चला रहे होते हैं जो सबका अलग अलग बॉडी पार्ट को कंट्रोल और रिपेयर करते हैं। दरअसल इस आदमी को ऑपरेट करने के लिए ढेर सारे ह्यूमेनाइड ह्यूमन होते हैं जो किसी बॉडी पार्ट को ठीक करके कैप्टन को मैसेज करते हैं। दरअसल यह लोग स्पेस के अलग दुनिया से आए होते हैं और थोड़ी देर पहले जब एक छोटा सा टुकड़ा एक घर में फिश वाटर में जाकर गिर जाती है जो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है। दरअसल वह आदमी उस पत्थर को ढूंढने के लिए पृथ्वी पर आया होता है। यह पत्थर समुद्र में फेंकना चाहते थे जबकि यह कहीं और जाकर गिर जाती है। पत्थर को समुद्र में गिरने से पहले पानी को अब्जॉर्ब करके आप अपने लिए ढेर सारे एनर्जी को तैयार कर सके और अपने स्पेस पर पानी को लगातार भेज सके। अब सीन शिफ्ट होता है और जोश के घर के सामने वह आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वह तुरंत अपने मम्मी को आवाज लगाता है। जब उसकी मम्मी नीचे आती है तो वह कहती है यह तो वही है जिसे मैंने कर मारी थी। वह आदमी जोश की मम्मी से बात करता है। वह उस आदमी से माफी मांगती है। वह आदमी कहता है इट्स ओके। जोश की मम्मी वहां से जाने से पहले उस आदमी को अपने घर पर इनवाइट करती है। वह आदमी जोश के घर में जाता है और जोश के स्कूल की वीडियो को देखता है तो उसे वहां पर उस बॉल को दिखाई देती है। वह तुरंत के स्कूल में जाता है। बच्चे इन्हें देखकर आइसक्रीम मैन कहते हैं। वह आदमी आइसक्रीम को खरीदने के लिए पैसे को स्कैन करता है और वह स्कूल पहुंच जाता है और उस लड़के से उस बॉल के बारे में पूछता है तो वह कहता है किसी ने हमारी बॉल को छीन ली थी। वह कल स्कूल की पार्टी में आएगा तो कल उस बॉल को ले लेना। वह कहता है ठीक है। वह स्कूल में उस लड़के से उस बॉल को छीन लेता है और डेव की मम्मी और वह आदमी तीनों रेस्टोरेंट में जाते हैं। तभी उस आदमी को ऑपरेट करने वाला एक व्यक्ति कहता है तुम्हें फालतू की टाइम खराब करने से अच्छा है कि तुम अपने मिशन पर ध्यान दो और बॉल को समुद्र में डाल दो। वह आदमी गुस्से में कहता है इन्होंने हमारी बॉल को ढूंढने में काफी मदद की। वह गुस्से में वह आदमी वहां से चला जाता है। डेव को पुलिस भी पता लगा लेता है। डेव जोश की माँ के साथ डांस कर रहा होता है तभी पुलिस वहां पर आ जाती है और डेव को पकड़ लेती है। डेव के पार्ट को ऑपरेट करने वाला कैप्टन डेव से ब्लास्ट करवा देता है और वहां से जाने लगता है। तभी पुलिस उस पर गोली से शूट करने लगती है लेकिन डेव को कुछ भी नहीं होता। वह लिबर्टी पहुंचने के लिए एक टैक्सी को रोकता है और उस पर बैठ जाता है। दूसरे सीन में जोश कहता है हमें डेव की मदद करनी चाहिए। अब कैप्टन को भी पता चल गया था कि डेव कहां जा रहा है। अब कैप्टन अपने टीम के साथ डेव को रोकने के लिए जाता है पर डेव अब बॉल को समुद्र में डाल दिया और बॉल समुद्र से पानी खींचना स्टार्ट कर देता है और कुछ ही देर में समुद्र खाली हो जाएगा। कैप्टन उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर डेव के पास इतनी भी एनर्जी नहीं होती कि या फिर बॉल को समुद्र से निकाल ले और समुद्र का पानी रोक दे या फिर वह अपने प्लेनेट पे वापस जा सके। अब डेव अपनी पूरी एनर्जी के साथ समुद्र से बॉल को निकाल लेता है और पानी को रोक देता है। अब डेव की पावर कम हो जाती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और डेव पर गन पॉइंट करती है। तभी जो पुलिस के जेब से टेंशन को निकाल कर डेव को चार्ज कर देता है। डेव अब उठ खड़ा होता है और कहता है हम अपने एनर्जी के लिए किसी और प्लेनेट से पानी को ढूंढ लेंगे पर अर्थ को किसी भी प्रकार से इसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब डेव अपने प्लेनेट पर वापस जाने लगता है लेकिन तभी एफबीआई वहां पर आ जाती है और डेव को पकड़ लेती है और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। सेकंड पार्ट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।